धर्म को जिएंगे और बड़े नहीं बढ़िया बनेंगे। कितना बढ़िया बोला। तो इनके लिए एक एक शब्द सीखना हिमालय जैसा था, लेकिन उन्हें वेदों को, सनातन धर्म को जानने के लिए अपना सर्वस्व आहूत कर दिया। ऐसी साध्वी जी को एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है, जिनको कुछ भी परिचय नहीं था हमारे सनातन हिंदू वैदिक धर्म का, उन्होंने उस धर्म को आत्मसात किया। तो महर्षि दयानंद का दो शब्दों में थोड़ा याद कर लें, जरा बहुत देर से बैठे हुए, जरा तालियों के साथ। अभी तो और संभलना है, अभी तो सब गाओ। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाए, आंधी वर्षा कभी नहीं भय खाए। जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए। प्राण भले ही जाए सतपथ से ना डिगना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, जमा हुआ करतल धोनी मन पर मैल पुराना। पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना, पाखंडों को उनको हमें बचाना। भूले भटके फिरे जहां में गले लगाना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। बोले महर्षि देव दयानंद की जय। तो क्या क्या करना है? एक तो भाई, जितने आर्य समाज आए हो, अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ा लियो, जरा ताली बजाओ। और भाई जो ये कहते थे कि गुरुकुल अच्छे नहीं है, तो तुम्हारे बच्चों के लिए 500 करोड़ के गुरुकुल तो बना दिए, और 500 करोड़ के अगले साल तक बन के तैयार हो जाएंगे। 1000 करोड़ पे हमने उसी के लिए खर्च की है, और आने वाले लगभग 10 वर्षों में कम से कम 108 गुरुकुल महर्षि दयानंद के प्रति कृतज्ञता के रूप में हम बनाएंगे और महर्षि दयानंद के सपनों को पूरा करेंगे। ये तो गुरुकुलों के, नए गुरुकुलों की स्थापना की बात हुई। और जैसे महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में शिक्षा दीक्षा और संस्कारों के संदर्भ में कहा है, लिखा है, उसके अनुरूप भारत के लाखों विद्यालयों को गुरुकुल में तब्दील करेंगे, ये भी संकल्प लेकर के जाएंगे उस काम को। महर्षि दयानंद जैसे चाहते थे वैसी शिक्षा दीक्षा और संस्कार हमारे बच्चों को दिए जाएं। आजादी के 75 वर्ष जब पूरे हुए, तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, उनके प्रति हम धन्यवाद करते हैं कि जिसका नाम हमने पहले वैदिक शिक्षा बोर्ड रखा था, फिर कुछ लोगों ने कहा कुछ ज्यादा पंगा करेंगे, कुछ ज्यादा बखेड़ा होगा, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड कर दिया। अब मैं काले की केवी 1832 के उपाप अब खत्म होंगे और भारतीय शिक्षा पद्धति, वैदिक शिक्षा पद्धति का विस्तार होगा। ये काम है महर्षि दयानंद का, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से झूठा इतिहास हमें पढ़ाया जाता है। यहां वो अकबर से लेकर के और हुमायूं, बाबर, पता नहीं क्या क्या, और अंतिम वो बहादुर शाह जफर, जो डफर भाग गया था फिर रंगून में,
उन मुगलों के इतिहास को हम पढ़ते थे और कहते थे अकबर महान। अब देश के लोग अकबर महान नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि महर्षि दयानंद महान है, महान है राजगुरु चंद्रशेखर सुखदेव भगत सिंह रानी लक्ष्मीबाई भी महाराणा प्रताप सप्तदी शिवाजी महाराज, उन वीरों का इतिहास पढ़ाया जाएगा। इतिहास भी हमारे बच्चे सही पढ़ेंगे, जब संस्कृत की किताब पढ़ेंगे, जब हिंदी की किताब पढ़ेंगे और जब इंग्लिश की किताब पढ़ेंगे, भाषा बोध के साथ उनको वेद का भी बोध होगा, ऐसा भारत में अब नया शिक्षा का अभियान चलेगा, यह महर्षि दयानंद के प्रति हमारी कृतज्ञता होगी। तो ऋषि दयानंद के सपनों को पूरा करने के लिए, जैसे महर्षि दयानंद चाहते थे कि शिक्षा की गुलामी से देश को मुक्ति करा दिलानी है, हमने 1857 का संग्राम लड़ा, लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और 1947 तक 5 लाख से ज्यादा लोग वीर वीरांगनाओं ने अपने जीवन को आहुत करके राजनीतिक आजादी तो दिला दी, लेकिन शिक्षा की आजादी अभी मिली न थी। तो हम टंकारा की इस धरती से, ऋषि की पुण्य भूमि से हम संकल्प लेते हैं महर्षि दयानंद के सपनों की शिक्षा व्यवस्था हम भारत में लेकर के आएंगे। अरे अपने लिए क्या चाहिए, ये दो चादर ये तो हमने लोक लज्जा के लिए पहन रखे हैं, गुरुकुल में लंगोटी पहन करके पढ़े, महर्षि दयानंद के लंगोटी वाले चेले हैं, महर्षि दयानंद ने भी ये वस्त्र जो है वो लोक लज्जा के लिए पहने थे। महर्षि दयानंद की सपनों की शिक्षा व्यवस्था, महर्षि दयानंद के सपनों की चिकित्सा व्यवस्था और महर्षि दयानंद के सपनों का मनुष्य का निर्माण, जिसके लिए पूज्य भाई श्री, जिसके लिए पूज्य मुनि जी, हमारी पूज्य साध्वी जी और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी की तरफ से भी मैं ही बोल रहा हूं, क्योंकि हिमालय में जड़ी बूटी ढूंढने के चक्कर में ज्यादा ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए ठंड में, और ठंड इनके गले में बैठ गई। तो एक बार पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी का भी जोरदार अभिनंदन है, उनकी तरफ से भी मैं बोल रहा हूँ, बोलने का काम मैं घने दिनों से कर रहा हूँ और गला मेरा भगवान ने एकदम चकाचक दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो महर्षि देव दयानंद की। तो सुनो, वेदों को अब घर में लाना है, वेदों को अब भारत ही नहीं पूरे विश्व में गूंजाना है। देखो मैं बहुत छोटी सी बात करूंगा क्योंकि इसके बाद अब डे वाले भी बाट जो रहे हैं, अब इसके बाद वहीं जाना है। मैंने जिसके लिए 50 साल लगाए, मैं 50 साल से योग को कर रहा हूं और जी रहा हूं। बचपन में मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, एक गांव में एक सन्यासी था, सत्यानंद नाम था, गांव के लोग उसको सत्यानाशी कहते थे, बोले ये गांव के बालक भगाने का काम करता है। वो भगाने का करता था या जगाने का करता था, हमने महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा और आज पूज्याचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ जो कुछ है महर्षि दयानंद की कृपा से है। और लोग कहते हैं गुरुकुल में पढ़ने वाला क्या कर सकता है, अब लोग कहते हैं गुरुकुल में पढ़ने वाला क्या नहीं कर सकता है। गुरुकुल में पढ़ने वाली हमारी श्रद्धामयी बेटियां यहां पर बैठी हैं, गुरुकुल के अब गुरुकुलों का भी पुनरुद्धार होगा। एक वेद का वाक्य, अवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपह तुम हि विश्व भेषजो देवानाम दूत ईयसी। इस एक वेद मंत्र ने पूरे विश्व में योग की प्रतिष्ठा करा दी, यह है वेद की महिमा, और इसीलिए महर्षि दयानंद को वेदों वाला स्वामी कहते हैं। तो सुनो भाई, कहने को तो बहुत कुछ है, महर्षि दयानंद के सपनों को पूरा करने के लिए देखो हमने आज तक का जीवन लगाया, और अभी तो भाई हम जवान हैं, बुढ़े नहीं हुए। हाँ, कभी कोई गलत फहमी में हो, गणे तो सुबह उठकर मुझे यूं ही देखे हो, बाबा जिंदा है अभी भी, फिर तो दहाड़ रहा है। मैंने कहा अभी नहीं, अभी तो कम से कम 50-60-70 साल तक और दहाड़ेंगे, और जन जन में योग की भी प्रतिष्ठा करेंगे। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सत्य सनातन वैदिक धर्म को हम केवल भारत में नहीं युग धर्म के रूप में उसकी प्रतिष्ठा करेंगे। इंद्रम मृदंतो अब तो रखण बंतो विश्व मार्य पाप घनंतो रावण का जो सपना था महर्षि दयानंद का उसको पूरा करेंगे। तो भाई बहनों, हमें अपने गुरुकुलों को उभारना है, हमें अपने बच्चों को वो शिक्षा और संस्कार देने हैं कि तुम स्वस्थ रहो, समृद्ध बनो, सफल बनो, विजयी बनो।
वीरता के गीत गाओ, कायर कमजोर बुजदिल मत बनो, अपने शरीर को बलवान बनाओ। अस्मा भव तो नस्तनु अस्माकम वीर उत्तरे भवंतों का उद्घोष करने वाले इन आर्य वीरों के लिए भी जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। हमारे सत्याचार्य श्री देवव्रत जी ने पूरा जीवन लगा दिया, पर लाठी घुमाणी इन्होंने हमको सिखाई थी। हाँ, एक बार जोरदार अभिनंदन। वैसे इनको इनको पद्मश्री नहीं, इनको मिलना चाहिए भारत रत्न, ऐसा काम किया है इन्होंने। और एक बात और कहता हूं, आज नहीं तो कल कोई भी सत्ता में हो, महर्षि दयानंद को भी भारत रत्न ये सत्ता देगी। अरे वो भारत रत्न ही विश्व रत्न है, इतने बड़े महापुरुष, कितना कितना तप किया है हम अपने 200 वर्षों के इतिहास में। हम अपने आर्यजनों को महात्मा हंसराज जी से लेकर के स्वामी श्रद्धानंद जी से लेकर के गुरुदत्त विद्यार्थी जी से लेकर के और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में देश विदेश में जिन्होंने आर्य धर्म की जो जलाई, उन सब महापुरुषों का को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए एक बात अपने हृदय में सजो के रखे, हम एक व्यक्ति मात्र नहीं है, हमारे भीतर भारत और भारतीय वेद धर्म ऋषि धर्म ऐसा समाहित हो जाए। मैं तो सुबह उठ करके इस संकल्प से अनुप्राणित करता हूं, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं महर्षि दयानंद का मूर्त स्वरूप हूं, उनके सपनों का उत्तराधिकारी हूं, मैं उनका पहरेदार हूं। मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो महर्षि दयानंद के सपने थे हमें उनको पूरा करना है। महर्षि दयानंद सबके हैं, केवल एक आर्य समाज के लिए नहीं, के नहीं है, केवल सार्वदेशिक प्रादेशिक सभाओं के नहीं है, महर्षि दयानंद का जीवन पूरे मानवता के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। वो योद्धा है, पुरोधा है, वो योगी है, महायोगी है, वो वेदज्ञ है, वो आदित्य ब्रह्म